हे दोस्तों, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी आपके लिए लेकर आता है हर दिन की टीवी से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और बताते हैं आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। सामने आया बिग बॉस ओटीटी का पहला प्रोमो। दरअसल बिग बॉस ओटीटी 2 का प्रोमो सामने आया है, जिसमें करण जौहर की जगह सलमान खान की झलक देखने को मिल रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान कह रहे हैं कि क्रिकेट के बाद क्या देखेंगे, ये है डिलेमा। एंटरटेनमेंट है 24 घंटे ओनली ऑन जियो सिनेमा। मैं लेकर आ रहा हूँ बिग बॉस ओटीटी, तो देखता जाए इंडिया। बिग बॉस ओटीटी 2 के इस प्रोमो वीडियो को सलमान खान के फैंस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। शो के इस प्रोमो वीडियो को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन वूट पर नहीं बल्कि जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। पति राहुल संग दिशा ने किया बेबी बम फ्रंट। दिशा परमार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति राहुल वैद्य के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं दिशा परमार ने डांस के दौरान अपना बेबी बम फ्रंट किया है। इस कपल का रोमांटिक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और कमेंट भी कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि दोनों को किसी की नजर ना लगे। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। वैभवी उपाध्याय ने इस गलती की वजह से गवाई जान। वैभवी मौत मामले में कुल्लू की एसपी साक्षी वर्मा ने बताया है कि वैभवी ने खिड़की के जरिए कार से बाहर निकलने की कोशिश की, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। ये चोट वैभवी के लिए घातक साबित हुई। एसपी ने कहा कि घटना के बाद वैभवी को बंजार सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैभवी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना में वैभवी की तो जान चली गई, लेकिन उनके मंगेतर को हाथ में कुछ मामूली चोटें आई हैं। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। बिग बॉस 16 फेम गोरी निगोरी संग बहन की शादी में हुई मारपीट, जीजा पर कराया जानलेवा हमला। हरियाणा की शकीरा कही जाने वाली गोरी निगोरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हैरत की बात ये है कि गोरी के साथ मारपीट उनकी बहन की शादी में हुई। गोरी निगोरी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को भी इस मामले में घसीटा गया है। गोरी ने इस बात की जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दी है। इसी के साथ गोरी ने अपने जीजा पर आरोप लगाया, साथ ही कई दूसरे नाम भी गिनवाए। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। क्या जल्द शादी करने वाले हैं एजाज और पवित्रा? हाल ही में एजाज ने अपनी शादी को लेकर बताया है कि उनकी और पवित्रा की शादी एकदम कंफर्म है, बस तारीख ही अनाउंस करनी बची है। वो चाहते हैं कि उनकी शादी में उनका पूरा परिवार शामिल हो, लेकिन पवित्रा का मानना है कि एजाज ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का टाइम नहीं है, वो काफी बिजी रहते हैं। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। असित मोदी के खिलाफ जेनिफर मिस्त्री का रिकॉर्ड हुआ स्टेटमेंट, बोली 6 घंटे पुलिस स्टेशन में थी। ई टाइम्स टीवी से खास बातचीत में जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि वो अपने होम टाउन से मुंबई वापस आ गई हैं। उन्होंने पौवई पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। वो बताती है कि मुझे मुंबई में आना पड़ा क्योंकि मुझे पुलिस ने बुलाया था। मैं पुलिस स्टेशन गई और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। मैं दोपहर 12 बजे पहुंची थी और शाम 6:15 पर निकली हूं। मैंने उनके बारे में सब कुछ बताया। मैं वहां 6 घंटे थी। अब कानून अपना काम करेगा। टीवी का तड़का, सातवें आखिरी टॉप न्यूज। बादशाह भी होंगे इस बार इंडियाज गॉट टैलेंट के जज। एक बार फिर से देश दुनिया के टैलेंट को लेकर पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट आने वाला है। इस बार शो को करण जौहर, किरण खेर जज करेंगे। तो वहीं खबरें सामने आई है कि शो में मशहूर रैपर बादशाह भी जज पैनल में नजर आएंगे।